क्या आप अपने घर, बंगलो और ऑफिस के लिए आकर्षक फर्नीचर की खोज में हैं? तो आपकी यह खोज अब हो गई है समाप्त, क्योंकि आपको जैसा चाहे वैसा मनचाहा फर्नीचर मिलेगा उदवाड़ा के ओरवाड़ में आए हुए साह फर्नीचर में। साह फर्नीचर में आपको मिलेगा टीवी शोकेस, बॉक्स बेड, हाफ शोकेस, सोफा कम बेड, रिवॉल्विंग चेयर, ऑफिस टेबल जैसे आकर्षक फर्नीचर आइटम्स। इतना ही नहीं, आपकी मन पसंदीदा डिजाइन और आपको जिस तरह का फर्नीचर चाहिए उस तरह के फर्नीचर को भी ऑर्डर के हिसाब से बनाने में माहिर। अलमारी 7,500 रुपए और बेड 10,000 रुपए से होते हैं शुरू। खास आपके लिए ऑफर, स्टॉक क्लियरनेस करने को लेकर लोहे की अलमारी के लिए खास रखा गया है एक आकर्षक सेल। तो देर किस बात की, आज ही आइए और हमारे साह फर्नीचर में से ले जाइए अपना मन पसंदीदा फर्नीचर। हमारा पता है साह फर्नीचर, दुकान नंबर 17, बिजनेस पॉइंट, शिव दर्शन होटल के पास, चीकू कैरी मार्केट और वार्ड उदवाड़ा, जिला वलसाड़। हमारा मोबाइल नंबर है 9875001598। नमस्कार, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति पंड्या। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। धर्मपुर में प्रस्तावित बैकहेड बांध को लेकर धर्मपुर के गुड़िया, चास मांडवा समेत कई गांव के लोगों ने विविध सूत्रोच्चार और बैनर के साथ निकाली विशाल विरोध रैली। कपराड़ा तहसील के कव्वाल गाँव में बीजेपी पार्टी द्वारा आयोजित क्रिकेट मैच में अम्बाज गाँव की टीम बनी विजेता। उमरगांव के देहरी के शिवम ट्रेडर्स के गोदाम में लगी भीषण आग पर फायर फाइटर ने कई घंटों की झमट के बाद पाया काबू। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा के पूर्व सांसद स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर दादरा नगर हवेली में विशाल रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। सिलवासा के टोकरखाड़ा आदिवासी भवन एवं खानवेल में एक साथ आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। आदिवासी भवन में चल रहे रक्तदान शिविर में सांसद कलाबेन देलकर पुत्र अभिनव देलकर पुत्री दिविता, जिला पंचायत अध्यक्ष निशा भावर, देलकर परिवार के सहयोगी कौशल शाह समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। खानवेल में आयोजित रक्तदान शिविर में भी रक्तदाताओं का उत्साह देखा गया। इस बात की जानकारी देते हुए अभिनव देलकर ने बताया कि इस ऐतिहासिक रक्तदान की 200 यूनिट से अधिक दादरा नगर हवेली में किया जा चुका है। देखा जा सकता है कि आदिवासी समाज रक्तदान से दूर रहता है, लेकिन मोहन भाई देलकर की याद में आयोजित इस रक्तदान शिविर में आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपने अपने रक्तदान शिविर में उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी रक्तदाताओं और इस शिविर में काम करने और मदद करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने रक्तदान शिविर में सहयोग के लिए दमन रेड क्रॉस, सिलवासा रेड क्रॉस, वापी लायंस क्लब, हरियाणा रोटरी क्लब सहित सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना ब्लड डोनेट करें, किसी को काम लगेगा। तब दिल से श्रद्धांजलि दिया है, उसके लिए मैंने आज ये कैंप में हिस्सा लिया है और मेरे वार्ड के और नगर पालिका के सभी लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और मोहन भाई को श्रद्धांजलि। मोहन भाई देलकर जी के श्रद्धांजलि के
सिलसिले में ये पूरा वीक हम लोग श्रद्धांजलि मुंबई को अर्पित कर रहे हैं। उसी के नाते आज ब्लड डोनेशन कैंप का बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पे आदिवासी भवन में और पूरा दादरा नगर हवेली में किया गया। उसमें हमारे महाराष्ट्र समाज के सभी लोग बहुत उत्साहित होकर यहाँ पे आए हुए हैं और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, सभी सिलवासा के सभी लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि आप सब इच्छा में होके यहाँ पे आइए, रक्तदान कीजिए। और यहाँ पे सांसद कलाबेन देवकर जी की तरफ से जो भी डोनेट करते हैं उनको एक चांदी का सिक्का भी गिफ्ट किया जा रहा है और आशा है कि शाम तक बहुत सारे लोग उत्साहित होकर सो खुशी से यहाँ पे आके अपना अपना डोनेट करेंगे। इसका जो हमारा प्रोग्राम था, इसका हमारा सोशल कॉज था, जिस तरह से हमने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आज सक्सेसफुल प्रोग्राम आज हुआ है। जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, नगर हवेली के प्रदेश के सभी गांवों से लोग आए, खानवेल में भी हमारा ये प्रोग्राम जारी रहा था। ऐसा हमारे गांव मतलब प्रदेश में कहते हैं कि हमारे समाज आदिवासी समाज ज़्यादा ब्लड डोनेशन नहीं करते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं आज के ज़्यादातर गाँव से भी लोगों ने, शहर से तो है ही, शहर के मेरे भाइयों बहनों ने बहुत सारे मतलब वो देते ही भी आए, एक मतलब हमेशा से उनका एक माइंडसेट भी है कि नहीं हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। लेकिन गाँव में इस बार हमें ज़बरदस्त साथ सकर मिला और एक इवेंट, ये जो हमारा एक सक्सेसफुल इवेंट के साथ एक हमारा अवेयरनेस भी गया गाँव में कि ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं है, ये सही में एक मदद रूप एक कार्य है। वो जो हमें मैसेज देना, तो हमने लोगों के बीच दिया है और मैं सभी का, प्रदेश के हर एक कोने से जिन्होंने आज ये हमारे सोशल वर्क में ब्लड डोनेशन कैंप में जो पार्टिसिपेट किया है, काफ़ी लोग दे भी नहीं पाए लेकिन जो संख्या में यहाँ पे आए, शायद से ये नगर हवेली के इतिहास में पहली बार ये आंकड़ा होगा, 500 प्लस का आंकड़ा है दोनों खानवेल और नगर हवेली को मिला के। और ये आंकड़ा हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन जो साथ सहयोग और सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, ये है मोहन डेलकर की टीम, मेरे आदरणीय मेरे पिताजी का ये टीम है जिन्होंने दिल से यहाँ पे आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, सहयोग दिया और हमारा सबसे हमारा संगठन का पहला, हमारा टीम का, मैं हूँ मोहन डेलकर की टीम का पहला ये हमारा ब्लड डोनेशन कैंप था और ये काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल हम कह सकते हैं। और जैसे मैंने पहले दिन भी कहा था, ये सारे सोशल कॉज हमारे हर साल रहेंगे, नो पॉलिटिक्स नथिंग, इसमें सिर्फ सोशल वर्क की बातें होगी, जहां लोगों को साथ सहयोग मिले, उनके प्रति मदद रूप रहे। हर कार्य में हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि मेरे पिताजी को याद करके, उन्हें कार्यशील का जो उनकी विचारधारा को याद करके, हम उसी तरह से वही राह पकड़ के हम प्रदेश को मदद रूप हो, ज़्यादातर हम मदद रूप हो सके। सिलवासा नगर पालिका अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, उपाध्यक्ष अजय देसाई, भाजपा अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष शौकत मिठानी ने खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली में सुरंगी की टीम ने मुस्लिम प्रीमियर लीग 2 पर कब्जा कर लिया है। सिलवासा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में सुरंगी ने शानदार खेल दिखाया और रूपाणी टीम को 11 रन से हरा कर फाइनल में जीत हासिल की। सिलवासा नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने विजेता को विजेता कप प्रदान किया और 50,786 और नगर पालिका उपाध्यक्ष अजय देसाई ने उप विजेता टीम को ₹35,786 का पुरस्कार दिया। मैन ऑफ द मैच सहित पुरस्कार भाजपा अल्पसंख्यक वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष शौकत मिठानी और अन्य अतिथियों द्वारा प्रदान किए गए। इससे पूर्व फाइनल मैच देखने पहुंचे सभी अतिथियों का आयोजकों ने जोरदार स्वागत किया। टूर्नामेंट का आयोजन सिलवासा मुस्लिम युवा समिति द्वारा 25 फरवरी से किया गया था, जिसमें फाइनल में पहुंचने के लिए दादरा नगर हवेली की 8 टीमों के बीच मुकाबला देखने को मिला। फाइनल मुकाबले में सुरंगी ने रूपाणी को 11 रन से हरा कर खिताबी कप अपने नाम किया। सिलवासा मुस्लिम युवा समिति के अध्यक्ष औरंगजेब कुरैशी, अध्यक्ष एजाज शेख, उपाध्यक्ष अल्ताफ खान और सोहिल मुल्तानी, सोशल मीडिया हैंडलर साजिद खान और टूर्नामेंट के मेजबान इरफान भाई ने अपनी टीम के साथ पूरे टूर्नामेंट को सफल बनाया। हमारा मुस्लिम प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 ये साल भी खेला गया, जैसे कि हमने फरवरी 25 तारीख से इस खेल का हमने शुरुआत की थी हमारे प्रीमियर लीग की, मुस्लिम प्रीमियर लीग की।
और बहुत ही अच्छे से इसका समापन भी हुआ। हमारे सारे मुख्य अतिथि उपस्थित थे, हमारे राकेश भाई चौहान, अजय भाई देसाई, सौगत भाई मीठानी, सलीम भाई वीरानी, मकबूल भाई सूर्या और जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स थे वो सारे के सारे, उनके ओनर्स और सब उपस्थित रहे। और हमारी कमेटी ने बहुत ही अच्छा इस बार भी काम किया इस NPL सीज़न 3 को सफल बनाने में। साथ में इस साल की जो टीम सुरंगी की जो टीम थी वो विनर रही है और रनर अप में रूपानी 11 आई है। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम हर साल ऐसे ही अच्छे से अच्छे टूर्नामेंट कराते रहे मुस्लिम प्रीमियर लीग के, और हम चाहते हैं कि सभी प्रदेशवासी हमसे जुड़े और इसमें सहभागी बने। वलसाड़ के धर्मपुर में 10 से अधिक गांव के लोगों ने निकाली ऐतिहासिक बांध विरोध रैली। पोखेट बांध नर्मदा तापी नार नदी लिंक परियोजना के तहत बांध के विरोध में हजारों आदिवासियों ने धर्मपुर का घेराव कर बांध निर्माण कार्य न करने की उठाई मांग। धर्मपुर के गुंडिया और चास मांडवा गांव और प्रस्तावित पैखंड गांव के आसपास के लगभग 10 और अन्य गांव के लोगों ने आज धर्मपुर में विशाल रैली आयोजित कर डैम का विरोध किया था, जिसमें धर्मपुर और डांग जिले के लोग भी उपस्थित रहे थे। वलसाड़ जिले का पानी स्थानीय आदिवासी प्रजा को बेवकूफ बनाकर उनको उनकी जमीन और घर से अलग करने का सरकार षड्यंत्र कर रही है, जिसको आदिवासी समाज कदापि नहीं चलाएंगे, ऐसे सूत्र इस रैली में सुनाए दे रहे थे। आयोजित रैली में आदिवासी समाज ने विविध बैनरों और अस्थियां लेकर काले कपड़े दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया था। बता दें कि केंद्रीय बजट में निर्मला सीतारमण ने सूचित डैम बनाने की घोषणा करने के बाद डांग और वलसाड़ जिले में डैम के विरोध किए जा रहे हैं। नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट 5 नदियों ना जोड़ाण करी केनाल थकी नर्मदा योजना में पानी पाड़वाना हता ने त्यांथी उद्योगों ने पानी आपवाना हता। ए समग्र विस्तार आदिवासी विस्तार अने 50,000 करता वधु आदिवासी परिवारों डूबाण में जई रह्या हता अने लाखों हेक्टर जमीन डूबाण में जती हती। वन अने पर्यावरणना जंगलों डूबाण में जई रह्या होवानी शंका, एना कारणे आजे अमे धर्मपुर घेरावानो कार्यक्रम राख्यो हतो। समग्र आदिवासी समाजना आगेवाननी साथे साथे अभिनवभाई डेलकर, रूढ़िप्रथा ग्राम सभाना अमारा रमेशभाई, अहींना कल्पेशभाई, कमलेशभाई तमाम आगेवानोनी साथे आ कार्यक्रम अमे कर्यो। शरूआतमां पोलीसे दमनकारी नीति अपनावी, परंतु पाछळथी आदिवासी समाजनो आक्रोश जोईने पछी अटकी गया हता अने अमे खूब जोरशोरथी रेली करी, आवेदनपत्र आप्युं। साथे साथे अमे सरकारने चेतवणी आपीए छीए कि जो डेमनो पत्थर मूकवानी कोशिश करी तो तमे आदिवासी समाजनो उग्र आंदोलन करीशुं, पण डेम बनवा देशुं नहीं। 50,000 जेटला परिवारो डेमना डूबाणमां जाय छे अने ए जे 7 डेम बनवाना तेमांथी चास मांडवा डेम लगभग 2.5 किलोमीटर लांबो छे, 50 मीटर ऊँचो छे अने एमां जे गामो बतावे छे एना करता पण वधारे गामो डूबाणमां जशे एवी शंका छे। केंद्रीय मंत्रीए जे रीते बजेटमां निवेदन कर्युं એ નિવેદન અંગ્રેજીમાં કર્યું હતું અને મને એવું લાગે છે આ બે મંત્રીઓને અંગ્રેજી કદાચ નહીં આવડતું હોય એવી શક્યતા છે। એટલે અમારે ખાસ એવું કહેવું, ભાઈ તમે ટ્રાન્સલેટર લાવીને વાંચો, સમજો પછી કૂદો, બાકી પાર્ટીને પક્ષ સાથે રહીને કૂદશો તો તમને નુકસાન થશે। પાણી માવલા મંત્રી જીતુભાઈએ જે વાત કરી કે ભૂતકાળમાં આનંદભાઈ અમારી સાથે હતા, ભવિષ્યમાં કદાચ હોઈ શકે, પરંતુ હું તો કહું છું ભૂતકાળમાં જીતુભાઈ અમારી સાથે હતા, ભવિષ્યમાં કદાચ હોઈ શકે, પણ અમને જીતુભાઈની જરૂર નથી ને અમે ચટણી રોટલો ખાશું, પરંતુ આવા આંગણી ઊંચી કરવાવાળી પાર્ટીમાં નહીં જશું। હજુ પણ ડેમ બનવાનો પ્રયાસ તો હવે વિચારવાનું જ માંડી વાળશે, કદાચ તો બજેટમાં એવું જાહેરાત કરી દે ઉગ્ર આદિવાસીનો આક્રોશ જોઈને, અથવા બે મંત્રી કદાચ એવું બની શકે સરકારમાં રહેલા મંત્રીઓએ કીધું એટલે બંધ થશે, પરંતુ જો ડેમનો પથ્થર લાખવાની કોશિશ કરી તો અમે આખો વિસ્તાર ઘેરી લેશું અને જેલ ભરો આંદોલન ચલાવીશું। બાંધ કે વિરોધ મે આયોજિત રેલી વાસદા કે વિધાયક અનંત પટેલ કી મોજૂદગી મે શરૂ કી ગઈ થી, જિસમે અનંત પટેલ ને ભી બાંધ વિરોધ નારે લગાયે થે। ઇસ વિરોધ રેલી મે સિલવાસા કે સ્વર્ગીય મોહનભાઈ ડેલકર કે લડકે અભિનવ ડેલકર ભી જુડે થે ઓર વિરોધ પ્રદર્શન કા સમર્થન કિયા થા। सुबह से ही बड़ी संख्या में आ रहे लोगों को रोकने के लिए वलसाड़ जिला पुलिस अलग अलग जगह पर चौकी बनाकर खड़े होकर आ रहे लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या में आए आदिवासी समाज के लोग अपने हक और जमीन की लड़ रहे लड़त को देख पुलिस भी पीछे हटते देखी गई।
आखिरकार घंटों तक चली इस विरोध रैली के बाद रैली में इकट्ठा हुए लोगों ने धर्मपुर मामलतदार को आवेदन पत्र देकर सूचित बांध नहीं बनाने की मांग की थी। दादरा नगर हवेली थी हमें आया था, समक्ष खाली एक उद्देश्य से आया था कि हमें आदिवासी समाज पर जो तकलीफ पड़वामां आवी छे, जो प्रोजेक्ट लावामां आव्यो छे जे केन्द्र सरकार तरफ थी, અને જાણ મળી છે કે ઘણા આદિવાસીઓને એમાં તકલીફ પડશે, એમના ઘર અને જમીન હડફવામાં આવે છે, ને એક જ ઉદ્દેશથી આવ્યા છે। પહેલીવાર અમે ગુજરાતમાં આવ્યા છે, અમારા સમાજ માટે આવ્યા છે, અને ફક્ત એક જ ટાર્ગેટથી લઈને આવ્યા છે, જે અમારા દાદરાનગરમાં બી જે રીતે બહુમૂલ્ય અમે આદિવાસી સમાજ વધારી રહી છે, અને રોજેરોજ અમારી બી લડાઈ અમે જે પ્રશાસન સાથે હોય તે ફક્ત ને ફક્ત આદિવાસી સમાજ માટે હોય છે। અને અમને ખબર છે કે અમારા સમાજમાં કઈ રીતે એક સામાન્ય આદિવાસી જે ઘર એ પોતાનું બનાવે છે, એક જમીન લે છે, જમીન એમને મળે છે, કે પછી કેવી રીતે એક એક રૂપિયો ઊભો કરીને એમને ઘર બનાવે છે। હવે સામાન્ય અમારા આદિવાસી સમાજને, ભોળા આદિવાસી સમાજને અમને આવી રીતે જો ઘર લાવશે અને આવી રીતે તકલીફ પડશે તો અમે શાંત રહેવાના નથી। આજે અમારો જે અહીંયા આવવાનું જે ઉદ્દેશ હતો અને જે લોકોનો ઉત્સાહ જોયું છે, મારા હિસાબે સરકારે પણ એમાં વિચારવું જોઈએ, એમાં પછાડી હટ થવું જોઈએ, અને આ પ્રોજેક્ટમાં એક પાબંદી લાવવી જોઈએ કે આ પ્રોજેક્ટ આગળ નહીં વધે, ને તો જે ઉત્સાહ અને જે ગુસ્સો આદિવાસી સમાજમાં છે એ લોકો પ્રત્યે આવી જશે અને સરકારને એમાં ઘણું નુકસાન થઈ જાય તેવું લાગે છે મને। જી બિલકુલ, મેં આનંદભાઈ સાથે વાત કરી, બધા હોદ્દેદારો સાથે વાત કરી, આનંદભાઈ સાથે વાત થઈ કે આ મુદ્દો અમે પાર્લામેન્ટમાં ઉચકવાના છે, અમે ડાયરેક્ટ એમાં અમે કેન્દ્રમંત્રીને અમે મળશું, એના પર અમે ચર્ચા વિચાર કરશું, ને એક આદિવાસી સમાજનો અમારો જો એ આટલું મોટું એક જે તકલીફવાળું જે એમને જે પ્રોજેક્ટ લાવ્યા છે એમાં અગર એમાં વિચારધારા કરે એવી આશા લઈને અમે એમના પાસે જશું। એમાં એક્ઝેક્ટ આંકડા તો નથી, પણ ઘણા પરિવાર છે, અમારા માટે તો 100નો આંકડો હોય, 1000નો આંકડો હોય કે 1 આંકડો હોય, અમારા માટે એક આદિવાસીનું ઘર તૂટે એ અમે સહન નથી કરી શકતા। તેમ હવે એમ ગુજરાતમાં અમે પહેલી વાર આવ્યા છે, પણ આ છેલ્લી વાર નથી, બધા હોદ્દેદારો સાથે બેસું, અમે બધા યુથ છે, નવજવાનો છે, લડવા માટે તૈયાર છે, ને મારા પિતાજીના જે વિચારધારા હતા કે જ્યાર સુધી નિર્ણય નહીં આવે, રિઝલ્ટ નહીં આવે ત્યાર સુધી પછાડી નહીં હટ કરશું, તો આ જ ઉદ્દેશ્યથી અમે લઈ જશું, ચર્ચા વિચાર કરશું, અને નિર્ણય નહીં આવે ત્યાર સુધી અમારી લડાઈ ચાલુ રહેશે। દાદરા નગર હવેલી મેં પ્રધાનમંત્રી યોજના અંતર્ગત અપને આધાર કાર્ડ કો રિન્યુ કરવાને યા नए बनवाने की तारीख 28 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है। प्रधानमंत्री योजना द्वारा अपने आधार कार्ड को रिन्यू करवाने या नए बनवाने की तारीख 28 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च तक कर दी गई है, जिसके चलते दादरा नगर हवेली स्थित विनोबा भावे हॉस्पिटल में लगाए गए कैंप में जाकर आप अपने आधार कार्ड को रिन्यू भी करवा सकते हैं और नए भी बनवा सकते हैं। साथ ही शहरवासियों से अपील भी की गई है कि आप अपना आधार कार्ड बनवाएं और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 5 लाख तक की बीमा रकम का लाभ उठाएं। जिसका भी रिन्यू बनाना है या रिन्यू करवाना है 15 तारीख तक बढ़ाया गया है, तो 15 तारीख से पहले आके करवा के जाए सब लोग। उमरगांव GIDC स्थित शिवम ट्रेडर्स नामक गोडाउन में रविवार की सुबह लगी आग। उमरगांव GIDC औद्योगिक विस्तार स्थित चंदन स्टील कंपनी के सामने देहरी विस्तार में शिवम ट्रेडर्स नाम के एक गोडाउन में प्लास्टिक के ट्रेडिंग का काम चल रहा था, जहां रविवार सुबह अचानक किसी वजह से शिवम ट्रेडर्स में आग लग गई थी। आग लगने की खबर मिलते ही उमरगांव पालिका साथ नोटिफाइड सरीगांव फायर फाइटर की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और कुछ ही घंटों में आग पर काबू पाया था। हालांकि आग से किसी तरह की कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन आग में प्लास्टिक सहित मशीनरी और बाकी सामान जलकर खाक हो जाने से कंपनी को नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 से 27 मार्च तक के 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया था आयोजन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 से 27 मार्च तक एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। यह टूर्नामेंट कपराड़ा तहसील स्थित कवाल गांव में खेली गई थी। इस टूर्नामेंट में खेरलाव टीम ने 8 ओवर में 112 रन बनाए थे, जहां अंबाज टीम ने 113 रन से विजय प्राप्त किया था, जहां विजयी टीम को 35,000 नगद और हारी हुई टीम को 25,000 रुपए नगद, साथ ही मैन ऑफ द मैच को साइकिल दी गई थी और बाकी प्रतियोगियों को इनामों से नवाजा गया। इस टूर्नामेंट में मुख्य मेहमानों के रूप में गुजरात राज्य के नाना एवं ऊर्जा मंत्री और पार्टी के धारासभ्य श्री कनुभाई एम देसाई,
कपराड़ा के धारासभ्य गुजरात राज्य के मत्स्य उद्योग एवं कल्पसर मंत्री श्री जीतुभाई एच चौधरी, वलसाड़ जिला भाजपा प्रमुख श्री हेमंत भाई कंसारा, वलसाड़ और डांग जिला सांसद श्री डॉ. के सी पटेल के साथ अन्य कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। भाई मिस्त्री जो श्री अगर मुकी तो अगर एक सौ एकासी कपराड़ा विधानसभा मत विस्तार केपीएल टूर्नामेंट जी थी एम समग्र कपराड़ा विधानसभा मत विस्तार तमाम खिलाड़ियों ने आखी ग्रुप बनाए एम टॉस कर अलग 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 टीम में सामिल कर टोटल आठ जेटली टीम थी एम आज फाइनल में खेरलाओ ने अंबाज बने टीम फाइनल में आई अने अंबाज टीम फाइनल में जीती है त्यारे हूँ बने टीम में अने समग्र जेटला पण खिलाड़ी था बधा ज खिलाड़ी ने धन्यवाद आपीश। कपराड़ा विधानसभा मत विस्तार बधा ज खिलाड़ियों एमां भाग लीधो ए खूब मोटी बात है। पण हार अने जीत क्रिकेट ने अंदर कोई कायम हारत नहीं कोई कायम जीततु नहीं परंतु मैच जोवानी जे मजा आए दिलचस्पी आए एमां अमारा समग्र कपराड़ा विधानसभा मत विस्तार बधा ज नवयुवानों ने એમાં મોકો મળ્યો છે જોવાનો પણ મોકો મળ્યો છે અને રમવાનો પણ મોકો મળ્યો છે। તો આજના તબક્કે આપણા વલસાડ જિલ્લાના સાંસદ સભ્ય ડૉક્ટર કે સી પટેલ સાહેબ, અમારા જિલ્લા પંચાયત કારોબારી અધ્યક્ષ ભાઈ ગુલાબભાઈ, અહીંયા તાલુકા પંચાયત કપરાડાના સામાજિક ન્યાય સમિતિના અધ્યક્ષ ભાઈ વિજયભાઈ, અહીં ઉપસ્થિત અમારા રાજુભાઈ, અમારા તમામ શીલ્ડના ડોનર કુણાલભાઈ, અમારી સાયકલના ડોનર ભાઈ નીતિશભાઈ, બાકીની બધી ટ્રોફીના ડોનર શૈલેષભાઈ અને સમગ્ર કપરાડા વિધાનસભાની સમગ્ર યુવા મોરચાની ટીમ જે હતી યુવા મોરચાની ટીમ સાથે આપણા કેપીએલ મેચની અંદર ખૂબ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો અને રમતની અંદર જે એક યુવાનને જે ઉત્સાહ હતો એ ઉત્સાહ જોઈને અમને આનંદ છે અને અમારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સમગ્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા મોરચાના અમારા મહામંત્રી ભાઈ મયંકભાઈથી લઈને ગામના પ્રથમ નાગરિક સરપંચ શ્રી મનોજ અને અમૂલભાઈની જે આયોજન હતું ને આયોજન થકી કપરાડા વિધાનસભાના તમામ યુવાનોને મોકો મળ્યો છે તે બદલ ખૂબ ધન્યવાદ ભારત માતા કી જય। સમાચારો કો સમાપ્ત કરને સે પહેલે એક બાર ફિર નજર ડાલતે હૈ આજ કે મુખ્ય સમાચારો પર। धर्मपुर में प्रस्तावित बैकहेड बांध को लेकर धर्मपुर के गुंडिया, चास मांडवा समेत कई गांव के लोगों ने विविध सूत्रोच्चार और बैनर के साथ निकाली विशाल विरोध रैली। कपराड़ा तहसील के कवाल गांव में बीजेपी पार्टी द्वारा आयोजित क्रिकेट मैच में अंबाज गांव की टीम बनी विजेता। उमरगांव के देहरी के शिवम ट्रेडर्स के गोदाम में लगी भीषण आग पर फायर फाइटर ने कई घंटों की जहमत के बाद पाया काबू। ये थे अब तक के समाचार। नए समाचारों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।